हेलो बच्चों, आज हम बताएंगे मैट्रिक्स का अगला भाग। दो भाग तक आपको बता दिए थे जिसमें बताए थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। पिछले वीडियो में हम आपको बता दिए थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आज हम बताएंगे आव्यूहों पर सक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आपको पढ़ना है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आव्यूहों का योग। आव्यूहों का योग यानी दो मैट्रिक्स को हम किस प्रकार जोड़ेंगे इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसे दो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ रहे, कोई मैट्रिक्स आपको इस टाइप से दिया हुआ रहे, ए इक्वल टू ए आई जे इस टाइप से, और B इक्वल टू दिया हुआ है ए आई जे बी आई जे सॉरी बी आई जे। ये इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, इसका भी ऑर्डर m क्रॉस n। तब हम इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो सकता है या b प्लस ए हो सकता है। ये दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि दोनों जो मैट्रिक्स होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होना चाहिए। यदि ऑर्डर समान नहीं रहेगा तो दो मैट्रिक्स को हम आपस में नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिए, कोई मैट्रिक्स एग्जांपल आप देख लीजिए, अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है लेट ए इजकल टू 1 2 3 4, अब बी इजकल टू दिया हुआ है 2 3 0 1, हम ए प्लस बी देखिए इसका भी ऑर्डर कितने रो है इसमें 1 2, दो रो है और दो कॉलम, तो ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2। इसमें भी दो रो है और दो कॉलम है तो इसको हम 2 क्रॉस 2। यानी दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि दो मैट्रिक्स तभी जुड़ता है जब दोनों का ऑर्डर समान होता है। अगर ऑर्डर समान ना हो तो मैट्रिक्स को हम आपस में नहीं जोड़ सकते हैं। अब देखिए, ये दोनों मैट्रिक्स जो था, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, दो मैट्रिक्स जो हम लिए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए, यहाँ भी 2 क्रॉस 2 है, यहाँ भी 2 क्रॉस 2 है, दोनों का ऑर्डर सेम है, इसलिए हम इसका ए प्लस बी निकाल सकते हैं। तो ए प्लस बी जब हम निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, वैल्यू ए का वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4, प्लस बी का वैल्यू 2 0 3 1। ये ऐड कैसे होगा, तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ यानी 1 प्लस 2 हो जाएगा, ये दोनों इसके साथ यानी 2 प्लस 3 हो जाएगा, इसके साथ ऐड करेंगे तो 3 प्लस 0 और 4 प्लस 1। इस टाइप से हम, या फिर देख लीजिए 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ये 5 3 5। इस तरह से हम मैट्रिक्स निकालेंगे तो मैट्रिक्स हमें 2 क्रॉस 2 के रूप में आएगा। इससे हमें स्पष्ट हो रहा है कि दो मैट्रिक्स जितने ऑर्डर का दिया हुआ रहता है, जितने ऑर्डर का दो मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा तो हम ऐड करेंगे, जब दोनों के हम ऐड करेंगे यानी ए प्लस बी निकालेंगे तो जो प्राप्त, जो मैट्रिक्स लास्ट में प्राप्त होगा वह उतने ऑर्डर का रहेगा जितने ऑर्डर का दिया हुआ रहता है। आप देख लीजिए, अगर डिफरेंट रहा मैट्रिक्स में ऑर्डर डिफरेंट रहा, जैसे ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 4 1 और एक मैट्रिक्स दे दे बी इक्वल टू 3 2, इस टाइप से, तो आप ए प्लस बी नहीं निकाल सकते हैं। इसका ए प्लस बी निकालेंगे तो 2 4 3 1 और प्लस बी का मान 3 2, ये है। अब देखिए, इसको तो इसके साथ ऐड कर सकते हैं, इसको इसके साथ ऐड कर सकते हैं, इसको ऐड करने के लिए नहीं है, यहाँ एलिमेंट नहीं है, या इससे भी हमें स्पष्ट हो रहा, और हम देख रहे हैं कि इसमें ऑर्डर कितने हैं, 2 क्रॉस 2 का है और इसमें ऑर्डर 1 क्रॉस 2 का है। एक तो पल ही आपको पता चल जाता है ऑर्डर से कि जब ऑर्डर डिफरेंट है यानी ऑर्डर डिफरेंट है तो कभी भी दो मैट्रिक्स को आपस में हम नहीं जोड़ सकते हैं। दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए दोनों का ऑर्डर समान होना चाहिए, ऑर्डर समान नहीं रहेगा तो हम दो मैट्रिक्स को किसी भी हालत में हम नहीं जोड़ सकते हैं। अब ध्यान दें नेक्स्ट, या यहाँ देखिए, ए प्लस बी जब हम निकालें तो बी प्लस ए भी हम निकाल सकते हैं, ए प्लस बी निकालिए या बी प्लस ए, ये दोनों मैट्रिक्स को हम जोड़ देते हैं। पहले बी का वैल्यू लिख सकते हैं फिर बाद में ए का वैल्यू, कैसे लिखेंगे, बी का मान हो जाएगा 2 0 3 1 और प्लस
ए का वैल्यू 1, 2, 3, 4 इसको ऐड करें तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 + 2 5, 0 + 3 3, अब 4 + 1 5 हो जाएगा। इस प्रकार हम या तो b प्लस ए या a प्लस बी को हम निकाल सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स जब डिटरमिनेंट जब ऑर्डर आपका इक्वल नहीं रहेगा, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल नहीं रहेगा, तो हम दोनों मैट्रिक्स को आपस में नहीं जोड़ सकते हैं। आगे ध्यान दें, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का अंतर, अवयवों का अंतर। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की तरह ही सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी होता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में भी दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी दो मैट्रिक्स को घटाने के लिए हम इसको इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपका ए बराबर दिया हुआ है ए आई जे एम क्रॉस एन, आप बी बराबर दिया हुआ है बी आई जे एम क्रॉस एन, तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम या तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं ए माइनस बी या बी माइनस ए। जब हम ए माइनस बी या बी माइनस ए जब हम प्राप्त करते हैं उसी को बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के लिए भी जिस प्रकार एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए दोनों ऑर्डर समान होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का, उसी प्रकार एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के लिए भी दोनों जो मैट्रिक्स होते हैं उसकी ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल आप देख लें, अगर कोई मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, 7, 3 और एक आपका दिया हुआ है बी इक्वल टू 2, 1, 0, 0, 1, 5 ये दिया हुआ है। इसमें देखिए रो कितने हैं, 1, 2 और कॉलम 1, 2, 3 यानी रो क्रॉस कॉलम, तो रो 2 हो गया, ये R1 ये R2 है, ये C1 है C2 है ये C3 है। उसी प्रकार इसमें भी आप देख लीजिए क्या है, एक रो दो रो, दो रो हो गया और कॉलम 1, 2, 3। देखिए दोनों का ऑर्डर इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स का क्या है ऑर्डर इक्वल है, तो हम क्या करेंगे ए क्रॉस बी ए माइनस बी यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स जब निकालेंगे ए माइनस बी, तो ए का वैल्यू लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 7, 3 माइनस बी का वैल्यू 2, 0, 1, 1, 0, 5। सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, तो 2 से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा तो 2, अब 4 में से 0 घटेगा तो 4 ही रह जाएगा, 5 में से 0 जाएगा 5, 7 में से 1 जाएगा 6, 3 में से 5 जाएगा -2। इस प्रकार हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं, एक माइनस बी या बी माइनस ए भी हम निकालेंगे। तो सबसे पहले बी का वैल्यू रखेंगे, बी का वैल्यू कितना है 2, 0, 1, 1, 0, 5 और माइनस बी का वैल्यू ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू कितना है 2, 3, 4, 5, 7, 3। इस प्रकार अब इससे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से 2 जाएगा 0, 1 में से 3 जाएगा -2, 0 से 4 घटेगा तो -4, 0 से 5 जाएगा -5, 1 से 7 जाएगा -6 और 5 से 3 जाएगा 2 आ जाएगा। यहां भी देखिए ऑर्डर हमारा कितना आ रहा है 2 क्रॉस 3, यहां भी 2 क्रॉस 3। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में क्या हुआ बच्चों, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में देख रहे हैं कि जब दो मैट्रिक्स को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वह जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होता है जोड़ने या घटाने पर, वो मैट्रिक्स भी हमें उतना ही ऑर्डर का रहता है जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ था। देखिए यहाँ 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, घटाने के बाद भी हमें 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स प्राप्त
फोगिया। नहीं अब आ जाइए नेक्स्ट, आगे ध्यान दे। प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है इसका। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, जैसे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ रहे बच्चों, मान लीजिए लेट ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए आई जे एम क्रॉस एन, यानी एम क्रॉस एन का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। स्केलर, स्केलर क्या होता है? स्केलर अदिश राशि होता है। स्केलर मतलब अदिश राशि, यानी कोई कॉन्स्टेंट टर्म, कोई कॉन्स्टेंट टर्म मान लीजिए लेट कोई स्केलर हम मान लेते हैं, स्केलर क्वान्टिटी के मान लेते हैं। तो जब इसमें हम के से मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स में, तो यहाँ भी के इंटू ए आई जे आई एम क्रॉस एन हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ, आप एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल जैसे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है लेट ए इक्वल टू कितना 2 3 4 5, और यदि हमें कहे कि 2a निकालिए, क्या ज्ञात करें 2a, तो 2a निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2 इंटू ए का वैल्यू रखेंगे 2 4 3 5, और 2 से जो मल्टीप्लाई होगा वो सभी एलिमेंट में होता है। जैसे 2 से गुना करेंगे 2 2 4, 2 3 6, 4 2 8, 5 2 10। इस प्रकार यानी कहने का अर्थ हुआ कि स्केलर क्वांटिटी से किसी भी मैट्रिक्स में जब हम गुना करते हैं तो सभी एलिमेंट में गुना होता है। जैसा कि यहाँ हम देखें, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है लेट ए इक्वल टू 1 0 2 5, और कोई मैट्रिक्स एक और दे दिए बी इक्वल टू दिया हुआ रहे 2 5 0 1, और आपको कहेगा फाइंड 2a+3b, 2a+3b का मान ज्ञात करें, तो किस प्रकार निकालेंगे 2a+3b। तो सबसे पहले हम 2a निकाल लेंगे, यानी 2 इंटू a का वैल्यू यहां से रखेंगे 2 1 2 0 5, तो 2 से सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 2 2 4 5 2 10, ये हमें 2a निकल गया। फिर हम 3b निकालेंगे, 3 इंटू बी का वैल्यू यहां से रखेंगे 2 0 5 1, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 5 2 10, 0 और 3, 0 से 3 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। अब इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं 2a+3b, 2a का वैल्यू यहां से हम रख देंगे 2 0 4 10, और 3b का वैल्यू यह निकला 6 10 0 3। अब देख लीजिए कि दोनों मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर समान है कि नहीं, यहाँ 2 × 2 है, यहाँ भी 2 × 2, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान है, इसलिए दोनों मैट्रिक्स का एडिशन संभव है, यानी दोनों को हम जोड़ सकते हैं। कैसे? फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, 6 2 कितना हो जाएगा 8, 0 और 10 हो जाएगा 4 10 3 13। इस प्रकार और एडिशन करने के बाद भी जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त हुआ वो 2x2 ऑर्डर का प्राप्त हुआ। इससे हमें स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स जितने ऑर्डर का दिया हुआ रहेगा उसमें स्केलर क्वांटिटी से भी गुना करने पर, उसको एडिशन करने पर उतना ही ऑर्डर का मैट्रिक्स प्राप्त होता है। नेक्स्ट आगे ध्यान दें, नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स नेगेटिव मैट्रिक्स ऋणात्मक आव्यूह क्या होता है? जैसे मान लीजिए बच्चों, अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए इक्वल टू
ए आई जे एम क्रॉस एन के रूप में। अगर इसका हम नेगेटिव निकालेंगे यानी ऋणात्मक मैट्रिक्स निकालेंगे तो ऋणात्मक मैट्रिक्स में क्या होता है, जो मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है उसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस इनटू ए आई जे और एम क्रॉस एन के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, एग्जाम्पल में लेट ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 2530, तो कहेगा नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालिए, तो हम माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी माइनस से गुना हो जाएगा यानी 2350, और जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी एलिमेंट में गुना होगा माइनस टू माइनस फाइव माइनस थ्री जीरो। इस प्रकार हमें नेगेटिव मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। यानी कोई मैट्रिक्स दिया हुआ रहे और उसमें यदि हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी एलिमेंटों में माइनस लगता है, अगर सभी माइनस लगा दिए तो सब में माइनस अगर लग गया तो वो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव मैट्रिक्स होता है। नेगेटिव मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, नेगेटिव मैट्रिक्स का मतलब होता है कि कोई जो मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है, कोई भी मैट्रिक्स जो दिया हुआ रहता है उसमें कितना जोड़े कि दोनों का योग हम जीरो आ जाए, इसे हम एडिटिव मैट्रिक्स भी बोलते हैं, पर योगात्मक प्रतिलोम भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों इसका मतलब होता है, इसका मतलब कहता है कि कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो ए में कितना हम ऐड करें कि इसका वैल्यू जीरो हो जाए, इसी को हम योगात्मक आवयुग भी बोलते हैं, योगात्मक योगात्मक आवयुग, एडिटिव एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स एडिटिव मैट्रिक्स योगात्मक आवयुग। तो योगात्मक आवयुग कहता है कि इसमें जैसे कोई मैट्रिक्स ए दिले है तो इसमें कितना जोड़ेंगे, तो पक्का माइनस ए हम जोड़ेंगे, तब दोनों के ऐड जब हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये जीरो के बराबर आ जाएगा। यानी कोई मैट्रिक्स दिले रहे और उसमें कितना से हम कितना जोड़ दें कि उसको जोड़ने पर उसका वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। जैसे आपका मैट्रिक्स देखिए, ये मैट्रिक्स था ए और इसमें जब हम माइनस से गुना किए तो सब माइनस में आ गया, और जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, सब जीरो के रूप में आ जाएगा। नहीं तो एडिटिव मैट्रिक्स यही कहता है, या हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, दोनों एक ही चीज होता है, चाहे आपका एडिटिव नेगेटिव मैट्रिक्स हो या आपका एडिटिव मैट्रिक्स हो। नेक्स्ट है, आगे आप ध्यान दें, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स आवयुहों का गुणन आवयुहों का गुणन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे देख लीजिए, अगर कोई दो मैट्रिक्स दिया हुआ रहे, ए इक्वल टू दिया हुआ है ए आई जे एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन, और बी इक्वल टू दिया हुआ है बी आई जे, ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है एन क्रॉस पी के रूप में, तब हम क्या करेंगे, जो मल्टीप्लीकेशन जो होगा इसको हम डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए, ये जो होता है ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में ए प्लस बी, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में ए माइनस बी या बी माइनस ए होता है, उसी प्रकार मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए होता है। जैसे हम बताएं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को यानी दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ने या घटाने के लिए दोनों का ऑर्डर समान होना चाहिए, उसी प्रकार मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में कुछ कंडीशन होता है। इसमें कंडीशन क्या होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम ये रो होता है और ये कॉलम, और सेकंड मैट्रिक्स का रो, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। देख रहे हैं, हम मैट्रिक्स ए लिए हैं जिसमें एम क्रॉस एन लिए हैं, और दूसरा का मैट्रिक्स लिए जिसमें एन क्रॉस पी ले लिए हैं, तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम
और सेकंड मैट्रिक्स का रो ये कब होगा, जब ए क्रॉस बी निकालेंगे, जो पहले रहता है, जो पहले रहेगा उसका कॉलम और जो बाद में रहेगा उसका रो, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर रहना चाहिए, तभी मल्टीप्लीकेशन का क्रिया यानी अवयवों का गुणन हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कभी भी गुना संभव, दो मैट्रिक्स में गुना संभव नहीं होगा। यानी दो मैट्रिक्स में गुना तभी संभव होगा जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो क्या होना चाहिए, बराबर, जैसा कि यहाँ हम लिए हैं पहला में, है ना। अगर हम ए बी जब यहाँ हम गुना करेंगे तो ए बी करने के बाद, यानी गुना करने के बाद बाकी जो यहाँ बचेगा वो क्या बचेगा, एम और पी, यानी एम क्रॉस पी, पहलका का रो एम बच गया और दूसरका का कॉलम पी बच गया। तो ए बी जब हम मैट्रिक्स को गुना कर लेंगे यानी ए क्रॉस बी जब निकालेंगे तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो एम क्रॉस पी के रूप में हमें प्राप्त होगा। फिर से ध्यान दे, जैसे मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, कोई एग्जाम्पल आप देख लें, एग्जाम्पल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ए का ऑर्डर दिया हुआ है 3x4 और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, यानी मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर, ऑर्डर कोटि होता है, क्या दिया हुआ है 4x3। अब पूछेगा कि ए क्रॉस बी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी जो मैट्रिक्स आया उसकी ऑर्डर क्या होगा, व्हाट, है ना। यानी कहेगा कि ऑर्डर दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर दिया हुआ है 3x4 और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर दिया हुआ है 4x3, और कह रहा है कि जब दोनों के हम गुना कर दें यानी ए क्रॉस बी निकाले, ए क्रॉस बी निकाले तो बताइए उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा। और अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स बी क्रॉस ए इतना भी पूछ सकता है, तो आप ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे। जैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ए का ऑर्डर दिया हुआ है कितना 3x4 और दूसरका बी का मैट्रिक्स का कितना दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिला है 4x3। हम क्या बताएं, दोनों में ए क्रॉस बी जब करेंगे तब पहलका का रो और दूसरका का, पहला का कॉलम, सॉरी, पहलका का कॉलम और दूसरका का रो दोनों इक्वल होना चाहिए। देखिए इक्वल है या नहीं, अगर इक्वल है तो बाकी जो ऑर्डर हमारा बचा, बाकी ऑर्डर कितना बचा, बाकी ऑर्डर बचा 3x3, तो ये जो ऑर्डर आवेगा ये दोनों के गुना करने के बाद आवेगा, यानी ए बी जब हम गुना कर देंगे तो इसका ऑर्डर कितना बचेगा 3x3। तो हम इसका ऑर्डर जब हम निकालेंगे यानी ए क्रॉस बी का ऑर्डर तो कितना आ जाएगा 3x3। उसी प्रकार अगर हमें बी ए निकालना है, बी क्रॉस ए, तब बी का ऑर्डर कितना है 4x3, अक्रॉस ए का ऑर्डर है 3x4। तो हम देख रहे हैं पहला का कॉलम और दूसरका का रो, सबसे पहले तो ये देखना है दोनों बराबर है या नहीं, अगर बराबर है तब ही गुना की प्रक्रिया होंगे। कभी कभी ऐसे दो मैट्रिक्स रहेंगे जिसमें ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए दोनों नहीं निकल सकता है, सिर्फ ए क्रॉस बी ही निकलता है, वो आपका कंडीशन क्वेश्चन के अनुसार आपको चलना है। तो यहाँ देख लीजिए 3x3 मिल रहा है तो बाकी ऑर्डर जो बचा वो कितना बच गया, बाकी ऑर्डर बच गया 4, रो बचा 4 और कॉलम भी कितना बच गया 4, यानी हम कह सकते हैं बी क्रॉस ए यानी बी ए का जो ऑर्डर होगा वो 4x4, यानी यहाँ जो इसकी ऑर्डर पूछ रहा है वो कितना होगा 4x4। यानी जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो उसका मैट्रिक्स हमें, ए क्रॉस बी का जो मैट्रिक्स होगा वो 3x3 जिसमें 3 रो और 3 कॉलम होंगे, उसी प्रकार जब हम बी क्रॉस ए निकालेंगे तो वो जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा जिसमें 4 रो और 4 कॉलम होगा। जैसे एक एग्जांपल आप देख लीजिए, ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछते रहता है, जैसे दो मैट्रिक्स इस टाइप के दे दिया, ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन और बी बराबर बी आई जे एन क्रॉस पी दे दिया, तो कहेगा कि ए क्रॉस बी का ऑर्डर ज्ञात करें, ए क्रॉस बी का ऑर्डर, तो ए क्रॉस बी का ऑर्डर अभी हम बताएं कि पहलका का कॉलम और दूसरका का रो इक्वल होना चाहिए, अब बाकी जो रो और कॉलम बच जाते हैं वही दोनों के क्रॉस का क्या होता है,
ऑर्डर होता है। बहुत अच्छा, आप समझिएगा, बार बार ध्यान दीजिए। एक हम एग्जांपल आपको दे देते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4 और बी इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ देखिए इसमें दो रो है दो कॉलम, तो दूसरा मैट्रिक्स जो लेंगे उसमें दो गो रो होना चाहिए, यानी 2 3 इस टाइप से रहना चाहिए, नहीं तब 2 x 1 हो जाएगा, दो गो रो आ एगो कॉलम, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए बराबर, तब हम ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। इसमें बी क्रॉस ए इसमें नहीं निकलेगा, ये गलत हो जाएगा। बी क्रॉस ए जब निकालोगे तो इसका कॉलम और इसका रो नहीं इक्वल होगा, इसलिए बी क्रॉस ए इसका नहीं निकल सकता है, सिर्फ क्या निकलेगा ए क्रॉस बी, क्योंकि ए का कॉलम और बी का रो इक्वल है। अब बाकी इसमें जो ऑर्डर बच गया जिसमें दो रो बच गया और कॉलम एक बच गया, यानी दोनों के जब हम गुना करेंगे तो इतना ऑर्डर के रूप में आ जाना चाहिए। जैसे देखिए ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो ए का वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 और बी का वैल्यू 2 3। अब गुना कर लेंगे, फर्स्ट रो गुना करने का भी तरीका होता है, क्या होता है फर्स्ट रो लिया जाता है और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अगर और कॉलम रहता तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। गुना कैसे होता है, तो पहला एलिमेंट से पहला एलिमेंट के साथ, यानी 1 x 2 हो जाएगा, बीच में प्लस के चिन्ह, दूसरा एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट के साथ, फिर ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अगर दूसरा कॉलम रहता तो आओ आगे ऐसे बढ़ते इधर, फिर अब इसकी क्रिया संपन्न हो गया, अब सेकंड रो लेंगे, सेकंड रो अब फर्स्ट कॉलम, तो उसी तरह पहला एलिमेंट से पहला एलिमेंट में गुना करेंगे, यानी सेकंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम लेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट के साथ, यानी 3 × 2 हो जाएगा, प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट, यानी 4 x 3 हो जाएगा। इस प्रकार हमें प्राप्त होगा 2 + 6 और यहाँ आपका 6 + 12, तब ये हमें रिजल्ट आ जाएगा 8 और कितना 18 आ जाएगा। ये देखिए इसमें दो रो और एक कॉलम, यानी 2 x 1 के रूप में हमें प्राप्त हो गया। देखिए इतना ऑर्डर है कि नहीं, हम पहले ही बता दिए थे, पहले ही सेटिस्फाइड कर दिए थे कि ए क्रॉस बी जो होगा उसकी ऑर्डर 2 x 1 आया, और हम देख रहे हैं गुना करने के बाद हमें रिजल्ट जो प्राप्त हुआ उसका भी ऑर्डर 2 x 1 के रूप में है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा जो गुना किया गया है वो सही है। यदि आपको ये गुना के बारे में पूर्ण रूप से आपको नहीं समझ में आया तो आपको इसके बारे में हम अगले वीडियो में और विस्तृत रूप से आपको जानकारी देंगे।